गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुनीता गोरट। आज ये मेरा आप लुक देख के तो आपको पता चल गया रहेगा कि आज मैंने कौन सा लुक किया है। गेस कीजिए। नहीं, मैं ही बता देती हूँ, आज मैंने पंजाबी लुक किया है। पंजाबी लुक्स में जैसे वो कुड़ियाज होती है, चोटी एंड बिंदी एंड इयररिंग्स एंड जो हैवी दुपट्टा होता है वो वेयर करते हैं। आज मैंने वैसे ही कुछ छोटा सा वीडियो आपके लिए मैंने ट्राई किया है आपके लिए कि आपको अगर कुछ ऐसे लुक करना है तो आपको डिफिकल्ट ना हो कि ये पंजाबी लुक कैसे करते हैं। तो आज मैंने ये छोटा सा वीडियो आपके लोगों के लिए बनाया है। तो आप ये वीडियोस मेरा आप मुझे पूरा देखिए, देन आपको आइडियाज आएगा स्टेप बाय स्टेप कैसे कैसे क्या क्या चीजें अप्लाई करनी चाहिए। और उसके बाद अगर आपको डेली की अपडेट चाहिए कि मैं वीडियोस कब डालूं कब नहीं, तो आपको वो जो बेल आइकॉन है इसको क्लिक करना ना भूले, तो आपको डेली की अपडेट मिलती रहेगी। और प्लीज कमेंट कीजिए कि आज मैं कैसे दिख रही हूँ। थैंक यू गाइज। तो गाइज मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं पहले मेरे फेस को अच्छे तरीके से क्लीन कर देती हूँ। जो मेरे फेस पे बहुत ज्यादा टट्स है, जो बाहर से हम आते हैं तो हमारी स्किन काफी ब्लैक हो जाती है, तो आप देख सकते हो। मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए कितना सारा डस्ट है इसमें। तो प्रॉपर उसको मैंने पहले अच्छे तरीके से फेस को मैंने क्लीन कर दिया, देन उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगी। आज मैं सनस्क्रीन अप्लाई करूंगी क्योंकि समर्स के लिए जितना आप सनस्क्रीन अप्लाई करोगे उतना हमारे फेस के लिए अच्छा है। जो है ये लॉरियर का यूवी परफेक्ट वाला ट्रांसपेरेंट, इट हैज एसपीएफ ऑल्सो 50 जो हमें सन से भी प्रोटेक्शंस का काम करेगा एंड पीए ट्रिपल प्लस है। तो मैंने सनस्क्रीन अप्लाई कर दिया है, देन नेक्स्ट मैं जो फिटमी का फाउंडेशन है 235 नंबर, जो मैं फिटमी का है मेबलिन का, मैं आज वो यूज करने वाली हूँ जो काफी एकदम लाइट वेट है। आज मुझे ज्यादा डार्क मेकअप नहीं करना है क्योंकि समर्स की वजह से ज्यादा इतना मेकअप नहीं करना चाहिए, तो मैं एकदम लाइट अप्लाई करूंगी। और ये फिटमी के से काफी लाइट वेट है, तो लाइटली क्वांटिटी लेके डैब डैब देन ब्लेंड। आपको हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर से इस तरीके से ही अप्लाई करना है। फिर उसके बाद मैं लूंगी फिटमी का कॉम्पैक्ट। आज मैं कंसीलर वेयर नहीं करूंगी क्योंकि कॉम्पैक्ट जो है वो मेरे काफी जो अनइवन स्किन लग रहा था प्रॉपरली उसको इवन टोन दे रहा है, तो मैं डायरेक्टली कॉम्पैक्ट अप्लाई करूंगी। उसके एक्सेस रिमूव कर लें ब्रश से, देन डैप डैप एंड ब्लेंड। देन उसके बाद फिर मैं करेक्टर अप्लाई करूंगी, लाइटली माउथ फेस करना है इस तरीके से। फिर जो ये लाइंस कट दिखाई दे रहे वहीं पे मैं कंटूर अप्लाई करूंगी। आप देख सकते हो मैं कैसे किस तरीके से अप्लाई कर रही हूँ। देन स्माइली फेस, देन ब्लश। उसके बाद फिर मैं अप्लाई करूंगी मास्टर क्रोम हाइलाइटर। हाइलाइटर तो हमेशा मेकअप के टाइम यूज करना चाहिए, जो हमारा मेकअप से और ज्यादा अच्छा लगता है और ज्यादा खूबसूरत लगता है। तो कहाँ कहाँ अप्लाई करना मैंने आपको हर एक वीडियोस में बताया है किस कैसे हमें अप्लाई करना चाहिए। हमेशा हमारे जो टारगेटेड एरिया पे है, जो लाइट का शेडोज आता है वहीं पे ही अप्लाई करना है इस तरीके से, जो फैन ब्रश से। गाइज मैंने आपको बताया था वीडियोस के पहले ही कि मैं आज पंजाबी लुक करूंगी, तो थोड़ा सा लाइट में शेडोज अप्लाई करने वाली हूँ, थोड़ा सा डार्क नहीं, थोड़ा ज्यादा स्मोकी नहीं, थोड़ा हैवी नहीं, एकदम नेचुरल आई मेकअप्स करूंगी और लिपस्टिक थोड़ा सा डार्क वेयर करूंगी। तो जो मेरा दुपट्टा है वो पिंक कलर का है, तो उसी के साथ मैच में आई शेडोज पिंक कलर का ही लगाऊंगी। जैसे कि हमेशा मैं बोलती हूँ, हमेशा आई शेडोज आप जितना ब्लेंड करोगे उतना हमारा आई मेकअप और ज्यादा खूबसूरत दिखेगा। करूंगी लाइटली डार्क, थोड़ा सा कॉर्नर्स पे ब्लैक शेडोज। एकदम लाइट।
बाद मैं थोड़ा सा आईलिड के नीचे से भी जो पिंक शेडोज है वही अप्लाई करूंगी। उसके बाद मैं फिर अप्लाई करूंगी जो मेरे ब्राउज को प्रॉपर फील करूंगी, जो ये फाउंडेशन मैंने जो लगाया था उसी के अंदर ब्राउज के अंदर चला जाता है फाउंडेशन, तो प्रॉपरली उसको अच्छी तरीके से पहले ब्रश से उसके एक्सेस जो रह गए वो पहले रिमूव कर दो, क्योंकि जब तक हमारा आईब्रोज अच्छे तरीके से नहीं दिखेगा उतना ज्यादा हमारा आई मेकअप और ज्यादा अच्छा नहीं दिखेगा। इसीलिए पहले आईब्रोज को प्रॉपर शेप दीजिए, देन आपका आई मेकअप प्रॉपरली ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा दिखेगा। आई शेडोज और मेरे ब्राउज को प्रॉपरली फिल कर दिया, देन उसके बाद मैं लगाऊंगी कोलोसल का पेन लाइनर, जो का लाइनर है ये प्रॉपरली आपके आईज को प्रॉपर शेप देगा, आपके लाइनर को इजीली अप्लाई करेगा। आपको अगर लाइनर अप्लाई करने नहीं आएगा बट ये पेन लाइनर से इजीली आप लाइन वैक कर सकते हो, लगा सकते हो। तो पहले इसे आपको आगे से ऐसे विंग्स निकालने हैं साइड कॉर्नर से, देन आगे से एड करना है। ये देखिए इजीली मेरा लाइनर अप्लाई करके हो गया है। देन फिर मैं लगाऊंगी मस्कारा, जो मेरे प्रॉपरली मेकअप प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है, सिर्फ अभी मस्कारा वेयर करना है, तो मैं मस्कारा लगा रही हूँ जो मेबलिन का है हाइपोकर्ल मस्कारा, ये जो हमारे लैशेस को अच्छी तरीके से कर्ल्स देगा, लेंथनिंग देगा एंड वॉल्यूम देगा। आप देख सकते हो सी दोनों भी आईज का डिफरेंस देख लीजिए कि मस्कारा लगाने के बाद हमारा आई मेकअप और ज्यादा अच्छा दिखता है। देन फिर लास्ट मैं लगाऊंगी लिपस्टिक सुपर स्टे, जो 16 आवर्स डे है मैं आज वो लिपस्टिक अप्लाई करूंगी रेड कलर, क्योंकि मैंने लाइट आई मेकअप किया है थोड़ा सा सेटल, तो मैं लिपस्टिक थोड़ी सी डार्क लगाऊंगी। मेरा लुक कंप्लीट हो चुका है, मैं थोड़े से ज्वेलरी भी वेयर कर लेती हूँ, फिर उसके बाद आप मेरा ये लुक देखिए पंजाबी लुक। गाइस ये वीडियोस मेरा कंप्लीट हो चुका है, आप मुझे वीडियोस में बताइए कि मैं कैसे दिख रही हूँ, मैंने कैसे क्या क्या मेकअप किया है, ये सब मैंने वीडियोस में आपको पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप बताई है, तो आप वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।